गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर इंग्लिश बुक। तो बच्चा, अब आप सभी बच्चों की कॉपी चेक हो चुकी है, तो आज हम अपना चैप्टर जो चैप्टर 5 था उसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन कर लिए थे, आप सभी बच्चों ने काम बहुत अच्छा कर रखा था। अब हम आप इसी तरह से आगे काम करिएगा। तो जो हमने चैप्टर 5 पढ़ा था निशास बर्थडे, तो हमने इसमें किसकी स्टोरी पढ़ी थी, निशा की स्टोरी पढ़ी थी कि निशा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर हमने इसमें इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली थी, यानी कि हमने वर्ड मीनिंग कर लिए थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लिए थे, सर्कल द करेक्ट आंसर कर लिए थे। यहाँ पे ड्रॉ अ कैप एंड कलर इट, हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे एक कैप बनाई थी और उसको क्या था, कलर कर लिया था। आगे ड्रॉ अ सिक्स कैंडल्स ऑन अ केक, यहाँ पे हमने क्या किया था, केक के ऊपर 6 कैंडल्स ड्रॉ की थी, बैलून में भी कलर किया था। फिर हमने लेट्स रीड में से अलाउड यू एंड सर्कल द करेक्ट यूज़ ऑफ दिस एंड दिस का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बच्चा आप पेज नंबर 38 ओपन कीजिए। इसमें आपके है ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर एंड टू द वर्ड्स। ओके, आपके पास नीचे देखिए क्या है, कुछ वर्ड्स है और ऊपर आपके पास क्या पिक्चर्स है, तो आप इनको मैच करना है। ओके, अब जैसे सबसे पहले है क्लिप। ओके, देन आपके पास है शॉक्स। क्लिप आपको आप जानते हो, सारे बच्चे जो हम हेयर्स में लगाती हैं गर्ल्स, क्लिप्स होती हैं। सॉक्स यानी कि आपके जुराब्स। देन फ्रॉक यानी कि जो फ्रॉक गर्ल्स पहनती हैं। शूज जूते। कैप टोपी एंड सिक्स बेल्ट। ओके, तो अब हमको ये मैच करते हुए जाना है, तो आपको पिक्चर देखनी है कि आपको क्लिप्स कहाँ दिख रहे हैं। तो क्लिप्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, ये रहा क्लिप्स, तो आपको इस प्रकार से मैच करना है। देन फ्रॉक कहाँ दिख रही है, सॉक्स कहाँ दिख रहे हैं, सेकंड में सॉक्स है, जुराब है, तो ये रहे सॉक्स। फ्रॉक है, फ्रॉक हमको ये दिख रही है। शूज़ यानी कि जूते हमको कहाँ दिख रहे हैं, सेकेंड नंबर पर। कैप के कहाँ है, कैप ही है। देन बेल्ट ये रही, तो इस तरीके से आपको ये मैच करने हैं। अब आगे है लेट्स टॉक। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इन योर पार्टनर। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने साथी से बात करनी है। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या आपके आसपास आपके घर में जो भाई बहन बड़ा है तो उससे आप बात कर सकते हैं कि इस जो पिक्चर है उसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्या दिख रहे हैं, पेरेंट्स दिख रहे हैं, फिर हमको चिल्ड्रन दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं ना जो बर्थडे पार्टी में आ रखे हैं, बर्थडे गर्ल दिख रही है हमको। देन हमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, गिफ्ट्स पड़े हुए हैं ना हमें दिख रहे हैं, टॉफ़ीज़ दिख रही हैं हमें, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी दिख रही है, बैलून्स दिख रहे हैं, डेकोरेट हो रखा है रूम, हमें यहाँ रिबिन भी दिख रहे हैं, जिस प्रकार से हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, टेबल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, चीज़ें दिखनी है कि आप क्या क्या चीज़ें ढूंढ पाते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे है लेट्स राइट, आपको लिखना है, वो बुक में ही लिखना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपके पास पिक्चर बनना है, मैंगो ट्री बुक एंड फुटबॉल। तो यहाँ पर आप लिखें क्वेश्चन, सेंटेंस को पढ़िए और क्या मैच हो रहा है, कौन से पिक्चर से मैच हो रहा है वो आप लिखेंगे। इशिता इज़ ईटिंग, तो मैंगो क्या खा रही है, तो मैंगो बन रखा है, तो इशिता क्या खा रही है, आम खा रही है। सेकंड, द बर्ड सिटिंग ऑन आ, बर्ड कहाँ बैठती हैं, ट्री में बैठी हुई हैं, तो ट्री लिखेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, तो आप बुक लिखेंगे। फोर्थ, सोनाली इज़ प्लेइंग विथ फुटबॉल, सोनाली किसके साथ खेल रही है, फुटबॉल के साथ खेल रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पिक्चर को देखते हुए जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको भरना है कि आपने क्या क्या देखा, और इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं, तो आंसर आप अपनी बुक में ही लिखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो आप जितने साल के होंगे, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर्स ओल्ड, तो आप वहाँ पे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, यानी कि कौन सी डेट को कौन से मंथ में आपका बर्थडे आता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड, डू यू कट अ केक, क्या आप अपने बर्थडे में केक काटते हो, तो आप अगर बर्थडे में केक काटते हो तो यस लिखोगे, नहीं काटते हो तो नो लिखोगे, उस प्रकार आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे हमने निशा जो बर्थडे था वो हमने पूरा पढ़ लिया है, आपको जो आप एक्सरसाइज करते हो उसके साथ आपको लर्न भी करना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके।